हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तन्नू की रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी है व्रत रेसिपी, क्योंकि इंस्टेंट 6 रेसिपी बनने वाली है, वो भी झटपट से बन जाती है। इधर हमने एक कटोरी साबूदाना लिया था, इसे ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। इधर हमने कढ़ाई ले ली, एक चम्मच घी ले लिया है, इसे गर्म कर लिया है। इधर हमने एक कटोरी पीनट ली है, इसको भी अच्छे से डाल के इसमें भून लेंगे। कढ़ाई में डाल देंगे, अच्छे से हमें भून लेना है कलर चेंज होने तक इसको। और ये अभी बाउल में हम निकाल लेते हैं पीनट को। इधर हमने कढ़ाई में घी और भी थोड़ा लेके गरम कर लिया। इधर हमने जीरा एक चम्मच लिया, इसे भी डाल के अच्छे चटकने देते। इधर हमने कड़ी पत्ता लिए 4 से 5, इसे भी डाल के अच्छे से भून लेते हैं। इधर हमने आलू लिए 2 बॉईल किए हुए, इन्हें पीसेस में हमने कट कर लिया था, इसको भी इसमें डाल के अच्छे से हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है और अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेंगे। इधर हमने 3 से 4 ग्रीन चिली लिए बारीक कटी, इसको भी इसमें डाल देते हैं। इधर हमने जो साबूदाना लिया था, इसको भी इसमें डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अभी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है इसे, और अच्छे से इनको पका लेना है। अभी साबूदाना की खिचड़ी में अब इधर हमें क्या करना है, 2 चम्मच इधर मूंगफली का पाउडर डालेंगे, इसको भी इसमें डाल, हमने पीस के रख लिया था एकदम। इधर हमने सेंधा नमक लिया 1/2 चम्मच, इसको भी इसमें डाल देते हैं। आप अगर खाते हो तो डाल सकते हो। इधर हम जीरे का पाउडर लिया 1/2 चम्मच, इसको भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करके रख लेंगे। इधर हमने पीनट ली थी जो फ्राई करके, इसको भी डाल देते हैं रोस्ट करके। इसको भी अच्छे से डाल के ऐसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों में। अभी इधर हम नींबू का रस लिया, इसको भी इसमें डाल देते हैं। हमने गैस बंद करके उसके बाद नींबू का रस डालना है। इधर हमने फ्रेश हरा धनिया लिया बारीक कटा हुआ, इसको भी इसमें डाल देते हैं। नींबू डालने से क्या होता है, हमारी साबूदाना खिचड़ी ना एकदम खिली खिली बनती है और चिपकती भी नहीं है, एकदम खिली खिली और अच्छी लगती है हमारी साबूदाना खिचड़ी। इधर हमारी साबूदाना खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। इधर हमने नाश्ता बनाने के लिए इधर 2 आलू लिए कच्चे, इनको हम ग्रेट कर लेते हैं अच्छे से। हमें ग्रेट कर लेना है, कद्दूकस कर लेंगे इनको हम दोनों आलूओं को, इसी तरीके से हमें कद्दूकस कर लेना है। इधर हमने राजगीरा आटा लिया है 2 चम्मच, इसको भी इसमें डाल देते हैं। इधर हमने 1/2 चम्मच नमक लिया है सेंधा नमक, इसको भी इसमें डाल देते। 2 से 3 ग्रीन चिली लिए, इधर हम जीरा पाउडर लिया है, फिर ऐसा हरा धनिया लिया है, इधर नींबू का रस लिया है 2 चम्मच, हम नींबू का रस डालेंगे इसमें। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें अभी मिक्स कर देना है, अच्छे से इसमें मिक्स कर देना। पानी डालने की ज़रूरत नहीं, इसमें बाइंडिंग ऐसी ही बन जाती है। इधर हम पकौड़े बना लेने, इसी सेब के ऑयल को गर्म कर लिया था अच्छे से, जितना स्पेस होगा कढ़ाई में हम उतने डाल देंगे। इसे हम मीडियम पे रखेंगे, फिर हम हाई पे कर देंगे। इनको उलट पलट करके अच्छे से हम पकौड़ों को इसी तरीके से सेक लेंगे, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है, कितना क्रिस्पी लग रहे हैं ना देखने में। आप इसे हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगते हैं। अब आप व्रत में भी इसे बना सकते हो या फिर नॉर्मली भी इसे बना सकते हो। अगर व्रत में नहीं बना रहे तो और भी मसाले ऐड करके इसे बना सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और क्रिस्पी लगती हैं। नाश्ते में एक बार ज़रूर बना के देखना, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं ये पकौड़े। हमारी तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही यम्मी लगते हैं ये। तोड़ के दिखाते हैं आपको, इसे अंदर से भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम गर्मा गर्म है ये। ऐसे आप सर्व करो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं इसी तरीके से धनिया की चटनी के साथ, एक बार ज़रूर सर्व करना आप। अभी हम इधर आलू फ्राई बनाने वाले हैं, आलू पीनट फ्राई। इधर हमने 1 चम्मच घी लिया है, जीरा डाल देते हैं, जीरा को चटकने देते हैं। इधर हमने पीनट लिए 1 कटोरी, इसको भी इसमें डाल के अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं। इधर हम 2 से 3 ग्रीन चिली लिए, इसको भी इसमें डाल देते हैं। हमने 4 आलू लिए थे बॉईल किए हुए, वो पीसेस में कट कर लिया था, इसे भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। गैस को हम मीडियम पे ही रखना है। इधर हमने सेंधा नमक लिया है 1/2 चम्मच, इसको भी इसमें डाल के अच्छे से हमें कलर चेंज होने तक आलू को फ्राई कर लेना है, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इधर हमने फ्रेश हरा धनिया लिया है, इसको भी डाल दे, नींबू का रस डाल देते। गैस को हमें बंद करने के बाद उसके बाद हमें नींबू का रस डालना है, इससे क्या होगा एकदम क्रिस्पी हमारे आलू पीनट बन के रेडी हो जाएंगे। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एकदम मिर्ची का अलग, नींबू का एकदम फ्लेवर, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग इसी तरीके से एक बार ज़रूर व्रत में बना के देखना, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। आप व्रत भी बना सकते हो, नॉर्मल भी बना सकते हो। इधर हमने बड़ा बनाने के लिए इधर एक साबूदाना को हमने ओवरनाइट के लिए भिगोने के लिए रख दिया था, 4 से 5 घंटे के लिए भिगो सकते हो आप। 1 कटोरी हमने साबूदाना लिया है। इधर हमें 2 बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, इनको भी हमें कद्दूकस इसी तरीके से इसमें कर देना है। हमारे साबूदाना अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। इधर हमने अदरक लिए ग्रेट करके, 2 से 3 ग्रीन चिली लिए, करी पत्ता लिए, हरे धनिया लिए, इनको सारी चीज़ों को हम डाल देते। इधर नींबू का रस लिया है 2 चम्मच, इसको भी इसमें डाल देते। इधर हमने मूंगफली का पाउडर लिया है 2 चम्मच, हम इसको मूंगफली का पाउडर भी इसमें डाल देंगे।
और इधर मैं सेंधा नमक लिया आधी चम्मच, इसको भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर देना, अभी हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, चम्मच से भी इसे मिक्स करते हो। सारी चीज़ों को मैं एक साथ मिक्स कर देना है। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथों पे, हथेलियों पे इस तरीके से, और मैं नींबू आकार जैसी बॉल्स को लेके इस तरीके से हमें एकदम राउंड शेप में इसको बना देना है। क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो घी को या फिर ऑयल जो भी हम फ्राई करते हैं उसमें पी जाते हैं ये। और इस तरीके से हमें पहले से बना के इनको रख लेना है। अभी हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। आप घी में भी सेक सकते हो, ऑयल में भी सेक सकते हो, आप व्रत में जिस तरीके से खाना पसंद करते हो उस तरीके से आप सेक लेना। इधर गैस को मीडियम फ्लेम पे करके अच्छे से मिलाएँ हमें क्रिस्पी होने तक इनको पका लेना है। इधर हमारे बड़े भी अच्छे से बन गए। इधर हमने हरे धनिया की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। अभी हम आपको सुनाते हैं इनका क्रिस्प, कितनी क्रिस्पी है ये। सारे बड़े हमारे सिक्के रेडी हो गए हैं, सबने निकाल लिए हैं। दूसरे बैच को भी हमने इधर बना के रेडी कर लिए। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यम्मी लगते हैं ये नाश्ता। इसे व्रत में बनाना आपको बहुत टेस्टी लगने वाले, एकदम हल्का सा नाश्ता हमारा बन के आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो। चाय के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, और हरी धनिया की चटनी के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। इधर साबूदाना का नाश्ता बनाने के लिए इधर हमने कढ़ाई ले ली, आधी कटोरी हमने पीनट ली। अच्छे से इनको रोस्ट कर लेना, घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, ऐसे ही हमें रोस्ट कर लेना है। साबूदाना को भी हमने एक कटोरी लिया, इसको भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जो भी हमें जो लगते हैं ना रोस्ट, वो अच्छे से कर लेंगे। इधर हमने छिक्कल को अच्छे से पीनट का निकाल दिया है, दोनों चीज़ें ठंडी भी हो गई। इधर हम ग्राइंडर में डाल के इसका एकदम फाइन पाउडर इसका बना लेंगे। हमें मूँगफली को क्या करना है, दरदरा सा पीस लेना है, इस तरीके से हमें दरदरा सा इसको पीस लेना। साबूदाना का क्या, हमें एकदम आटा जैसा बनाना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हमें एकदम फाइन इसको पीस लेना है। फिर हम साबूदाना को भी हमने एकदम फाइन पीसा, आपको देख ही पता चल रहा होगा कितना हमने फाइन इसको पीस लिया है। इधर एक बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इधर हमने राजगीरा का आटा लिया है 2 चम्मच, इसको भी डाल देते हैं। इधर हमने मूँगफली का पाउडर लिया है 2 चम्मच, इसको भी इसमें डाल देते हैं। आप इसे राजगीरा के आटे की जगह पर आप कुट्टू का या समा का आटा ले सकते हो। इधर हमने अदरक लिए ग्रेट की हुई, इधर हमने ग्रीन चिली लिए, इधर हमने 2 आलू लिए थे ग्रेट किए हुए, बॉयल किए हुए, नमक लिया सेंधा नमक, इधर हमने जीरे का पाउडर लिया है। इधर हमने सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमने 4 चम्मच फ्रेश दही लिया है, इसको भी डाल देते हैं। इधर हमने फ्रेश धनिया लिया था, इसको भी डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। नाश्ता बनाने के लिए सारी चीज़ें हमें पहले अच्छे से मिक्स करनी, फिर इनका घोल बना के रेडी कर लेना। ना ज़्यादा पतला करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, एकदम ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी इस तरीके की होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है। अच्छे से घोल बना के इधर हमने रेडी करके रख दिया है। इधर हमने 1 कप लिया था दही, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे पहले, उसके बाद हम डालेंगे जीरे का पाउडर, उसके बाद सेंधा नमक डाल देंगे, ग्रीन चिली डाल देंगे 2 से 3। इधर हमने खीरा लिया है, इसको 1 खीरा लिया था, बारीक कट करके ले लिया था, इसको भी इसमें डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। अभी इसमें हम तड़का लगाने के लिए भी रेडी कर लेते हैं। इधर हमने 1 चम्मच घी लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, इसे भी डाल दे, चटकने देते हैं इसे हम। इधर हमने कड़ी पत्ता लिए 6 से 7, इनको भी चटकने देते हैं। अभी इसमें हम लगा देते हैं। ये व्रत में बहुत अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर आप बना के देखना, आपको बहुत पसंद आने वाला है ऐसा रायता। अभी हमने एक पैन ले लिया, इसमें थोड़ा सा हम घी लगा देंगे और बैटर थोड़ा सा हम 1 चम्मच भर के डाल देना है। थोड़े से पतले ही बनाएंगे तो क्या होगा, अच्छे से ये सिक सकते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। राउंड शेप में कर देना है, थोड़ा सा घी हमें ऊपर से डाल देना है, इनको कवर कर देना है 3 से 4 मिनट के लिए, हमें अच्छे से पका लेना है। गैस को हमें मीडियम फ्लेम पर रखना है। ये साइड से ना एकदम गोल्डन ब्राउन इनका कलर होने लगा है। अभी हम पलट देते हैं, कितना अच्छा कलर आया, एकदम गोल्डन ब्राउन लग रहे हैं ना। ऊपर से भी थोड़ा हम घी लगा देंगे, अच्छे से इनको सेक लेते हैं। अभी दोनों तरफ से हमें एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से हमें इन्हें सेक लेना है। आप चाहो तो कवर करके भी सेक सकते हो, बिना कवर करके भी सेक सकते हो। कितने अच्छे क्रिस्पी हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया, आपने देखा कितना झटपट से ये नाश्ता हमारा बन के रेडी हो। आप इसे रायते के साथ सर्व करो, ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है, व्रत में तो और भी अच्छा लगने वाला है। साबूदाना के इधर हमने पराठा बनाने के लिए 1 कटोरी हमने साबूदाना लिया है, इसे भी हमने अच्छे से भिंगो दिया था। ओवरनाइट के लिए भिंगो सकते हो, 5 घंटे के लिए भिंगो सकते हो। बाउल में डाल दिया इधर हमने इसे, मूंगफली का पाउडर लिया है, इधर हम 2 चम्मच मूंगफली का पाउडर इसमें डाल देते हैं। इधर हमने 2 से 3 ग्रीन चिली ली बारीक कटी, इसको भी डाल देते हैं। 1 चम्मच जीरा लिया है, इसको भी डाल देते हैं। इधर हमने सेंधा नमक लिया है, इसको भी डाल देते हैं। इधर हमने दही लिया है, फ्रेश घर का दही है, इधर हम 2 चम्मच इसमें दही डाल देते हैं। फ्रेश हरा धनिया लिया, ऐसे भी इसमें डाल देते हैं। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, व्रत में बहुत ही अच्छा लगता है, झटपट से ही बन भी जाती है। इधर हमने 2 आलू लिए, कच्चे आलू लेने हमें, ग्रेट कर लेने हैं 2 आलू।
इसको भी इसमें डाल देते हैं। अभी सारी चीज़ों को फिर से हम मिक्स कर देंगे। आलू को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता हमारा ये बन के रेडी होता है पराठा। इधर हमने सीड्स लिए, इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें घी लगा देना है पहले। इससे क्या होता है, इजीली ये हाथ पे एकदम तवे पे हम डालेंगे तो निकल के आ जाता है। थोड़ा सा हमें घी लगा देना है इस पर। इधर तरीके हमें लोई ले लेनी है, जैसे हम रोटी पराठा बनाते हैं उस तरीके की हमें लोई ले के इस पर रख देनी है। और हाथ से हमें इस तरीके से इसको फैलाते जाना है। ऐसे में फैला लेना है राउंड शेप में इस तरीके का, ना ज़्यादा मोटा नहीं रखना, ज़्यादा ज़्यादा पतला रखना है। अभी इसे हम हाथ पे इस तरीके से निकाल लेंगे। तवे पे हम थोड़ा सा घी लगा देंगे, गैस को ऑन कर दिया, गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है तवे पे। और थोड़ा थोड़ा किनारे से हमें क्या करना, हल्का हल्का सा घी इस पर डाल देंगे ताकि क्रिस्पी बनेंगे और जल्दी से ये बन जाएगा और एकदम गोल्डन ब्राउन कलर भी इसमें आएगा। ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हम घी इसमें डाल देते हैं। वैसे अभी हम पलट देते हैं, कितना क्रिस्पी हमारा पराठा बना हुआ ना, इसका कलर भी कितना अच्छा है, कितना एकदम लग रहा है टेम्पटिंग एकदम खाने में। तो ये बहुत ही अच्छे लगने वाला है पराठा हमारा, लगेगा ही नहीं कि हमने व्रत में ऐसा बना के पराठा खाया, एकदम अच्छा लगता है। अभी हम सारे पराठे को ऐसी तरीके से बना के इधर रेडी कर लेते हैं। दूसरा भी पराठा हम इसी तरीके से सेम रेडी करेंगे। इसका भी कलर देखो कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन आया है। आप इसे रायते के साथ या फिर चाय के साथ, किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगने वाला। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस